जिनके साथ काम करके मैं दिल्ली तक पहुंचा इस दिवाली के शुभ अवसर पर, मैं उनसे मिलकर मैं उनका धन्यवाद करने आया हूं। मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार मानने आया हूं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम करने का अवसर प्राप्त किया हूं। मेरी नियुक्ति के बाद मैं राजस्थान से लेकर जो अपना काम शुरू किया, मुझे जम्मू कश्मीर भी जाने का अवसर मिला। मैं वहाँ भी जाकर देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता दहशतगर्दों से टक्कर लेते हुए मातृभूमि के लिए काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे। मैं वेस्ट बंगाल भी गया, जहाँ पर मैं उन कार्यकर्ताओं से मिला जो ममता दीदी के आतंक के खिलाफ भी काम कर रहे। कई हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए, कई को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन मातृभूमि को एक अच्छी सरकार मिले, बंगाल को एक अच्छी सरकार मिले, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे। मुझे मध्य प्रदेश भी जाने का अवसर मिला। कुल मिलाकर मुझे जो देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता काम कर रहे, उनसे फोन से भी संवाद हुए मेरे। एक अच्छी ताकत, एक कार्यकर्ताओं की अच्छी फौज साथ में काम कर रही है, ये जो मैं अनुभव लिया हूं, ये अनुभव मैं आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो देश भर में काम कर रही है, उससे समाज में एक विकास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास ये भी है कि जो समाज में जहर घोले गए हैं वोट बैंक के लिए, कांग्रेस और तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने अल्पसंख्यक में विशेष रूप से मुसलमानों को जो उपयोग में रखने के लिए एक राष्ट्रवादी विचारधारा से दूर रखा हुआ है, वो खाई भी हम पाटे। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमें सफलता मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो जहर घोला गया है कि भारतीय, कई जगह मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के खिलाफ बनाई हुई पार्टी है, इसमें आप कैसे काम कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, आप सच्चे में मुसलमान हैं? मैंने जो भारतीय जनता पार्टी को देखा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो जिया है, जो भारतीय जनता पार्टी को पढ़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास है, मैं सबको बताने का काम कर रहा हूं और देश भर में उसकी स्वीकृति भी मिल रही है। मेरा यही जवाब रहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विशेष के खिलाफ बनाई गई होती तो जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की हमारी इस मुंबई में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना हुई, तो उस स्थापनाओं में करने वालों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, और जो चौथे व्यक्ति थे जो महामंत्री बने थे वो हाजी नवाजी सिकंदर बख्त थे। तो क्या अगर किसी के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको साथ में रखता है क्या? जनसंघ टूटने के बाद जब जनता पार्टी में हमें सरकार में शामिल होने का मौका मिला तो स्वर्गीय अटल जी के साथ आरिफ बेग साहब मंत्री बने। उनको मंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, वो मुसलमान है, अल्पसंख्यक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत है एकात्म मानववाद, वो यही है कि जो अंतिम आदमी है समाज का, पीड़ित है, शोषित है, उसका विकास हो, उसके विकास के लिए आरिफ भाई को मंत्री बनाया गया था। अल्पसंख्यक समाज का उत्थान हो, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज पीड़ित होता जा रहा है, शोषित होता जा रहा है, उपेक्षित होता जा रहा है। कांग्रेस के साथ जाकर वो अपने अस्तित्व को भूल रहा है।
वो भारतीय जनता पार्टी में साथ आकर और देश के निर्माण में काम करे। इसलिए सिकंदर बख्श साहब को जो महामंत्री पहली बार बनी थी टीम, उसमें रखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी दुश्मन कैसे हो सकती है? आज जो योजनाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत में लोगों को अच्छे स्वास्थ्य देने की बात हो, उनका इलाज की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, इन सभी में कहीं भी हमें अलग नहीं रखा गया है। और मुझे गर्व इस बात का कहते हुए कि सबसे ज़्यादा अगर फायदा हुआ है तो मुस्लिम समाज को हुआ है। लेकिन अपने वोट बैंक को कायम रखने के लिए, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी ताकत से दूर रखने के लिए जो लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उस जहर को साफ करने के लिए मेरा संकल्प है कि मेरे इस कार्यकाल में मैं भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक बूथ तक लेकर जाऊंगा, जहां पर समाज हमारा रहता है, जहां पर जहर घोलने का काम किया जा रहा है। मुझे दुख है इस बात का कि मैं महाराष्ट्र से हूं। ये जो सरकार आई है, इन्होंने कहा था कि हम जो अल्पसंख्यक समाज हैं उनको आरक्षण देंगे, झूठ बोला था, कुछ नहीं दिया। नवाब मलिक साहब साफ साफ झूठ बोले थे, आज लोग सवाल पूछते हैं, कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने आरक्षण दिया हुआ है जो जिसका समाज को फायदा हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया हुआ है, उसमें मुस्लिम समाज भी आता है। लेकिन ये सरकार उस लाभ को पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रही है। आज देखेंगे तो जब माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग को बनाने काम किया था उन्होंने। इसलिए किया था कि समाज में अगर कोई गरीब परेशान होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए आयोग काम करे। वक्फ बोर्ड जो समाज की सबसे बड़ी संपत्ति है, उसके रक्षा के लिए काम करती है। पिछले 15 सालों से वक्फ बोर्ड नहीं बना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया, वो भी MM शेख जो कांग्रेस के थे, क्योंकि उस वक्त सारे सदस्य कांग्रेस के थे। माननीय मुख्यमंत्री जी यही सोचा कि हमारे पार्टी का नहीं बनेगा, उन्होंने कहा समाज का काम होना चाहिए, अगर कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बनता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने मौलाना आजाद फाउंडेशन को बनाने का काम किया। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि ये सरकार जो खुद को मुसलमानों का दोस्त कहती थी, ये अभी तक जितनी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं किसी को नहीं बनाया, सबको बर्खास्त करके रखा है। हज कमेटी जैसी संस्था अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसको भी बर्खास्त कर दिया। तो ये जो लोग जो है झूठ बोलकर मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे, झूठ बोलकर हमें गुमराह करने काम कर रहे, हम कार्यकर्ता इनके झूठ को उजागर करने के लिए बूथ स्तर तक जाएंगे। मेरा जो कार्यकाल है ये बूथ को समर्पित है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारी टीम है वो बूथ स्तर तक काम करे। मुझे खुशी इस बात का आपके सामने बताते हुए कि अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उसका एक और अच्छा वर्जन लाने का काम करूंगा, जो हमारे कार्यकर्ता साथ में काम कर रहे, मैं उनको प्रशिक्षित करने का काम करूंगा। उनके माध्यम से माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको मैं नीचे तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मेरा समाज को यही आह्वान है कि माननीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा है नए भारत का, न्यू इंडिया का, ऐसा इंडिया जहां पर ना आतंकवाद हो, ना दहशतवाद हो, ना किसी रंग का भेद हो, ना जाति का भेद हो, ना धर्म का भेद हो, ऐसे न्यू इंडिया को, नए भारत को बनाने में मेरा मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज भी साथ में आए, माननीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करे और ये देश जो दुनिया को नेतृत्व देने जा रहा है उसमें समाज भी शामिल हो। मैं इस कोशिश को नीचे तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरा ये जो काम है इसमें आप सबका भी योगदान हो, आशीर्वाद हो, आप सबका भी मार्गदर्शन मिले, इसलिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी अगर अपने कोई सुझाव देंगे तो मैं उसको भी साथ लेकर और अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने भी सुझाव मुझे दें। मैं कश्मीर में 3 दिन रह के आ रहा हूं। 370 हटने से वहां के लोग खुश हैं, क्योंकि वहां पर अब व्यापार आएगा, रोजगार आएगा, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। वहां पर किसी को 370 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर अब्दुल्ला फैमिली को है, मुफ्ती फैमिली को है, जिन्होंने लोगों को ठगने का काम किया,
जिनकी बादशाहत चलती थी आज वो सड़क पर आ गए। वहां के जनता में 370 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है सभी समाज के लोगों ने वोट दिया, इसलिए तो सरकार बन रही है हमारी। ये तो अभी कोई काउंट करके नहीं बता सकता, लेकिन बड़ी संख्या में बिहार में भी मुस्लिम लोग, अल्पसंख्यक लोग साथ में काम कर रहे, बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया है और इसलिए हमारी वहां पर सरकार बनी है। सबके वोटों से हमारी सरकार बनी है। मैं तो यही कहूंगा कि नवाब मलिक को कोई मोटा आसामी नहीं मिला जो नवाब मलिक को इतने नोट दे सके कि उसको चेयरमैन बना सके, इसलिए वो अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि वहां पर पद बेचे जाते हैं और मेरे पास पुख्ता सबूत है कि नवाब मलिक साहब कोई मोटा आसामी ढूंढ रहे हैं।